नमस्कार। अमिताभ बच्चन भले ही अपनी फिल्मों की वजह से चर्चाओं में रहते हों, सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर सुर्खियां बटोरते हों, लेकिन जब बात किसी विवादित मुद्दे पर बोलने की आती है तो बिग बी चुप रहना ही उचित समझते हैं। देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बॉर्डर पर कुछ हुआ हो, किसान आंदोलन हो रहा हो, कोई कुछ भी बोलता रहे, बिग बी इन सब चीजों से खुद को दूर रखना ही पसंद करते हैं। यही वजह है कि कई बार लोगों को बिग बी की चुप्पी नागवार गुजरती है और इसीलिए वो कई बार आलोचना का शिकार भी होते हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले बिग बी पान मसाला का विज्ञापन करने को लेकर खूब ट्रोल हुए थे। बढ़ते विवाद को देखते हुए एक्टर ने इस ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था और दूरी बना ली थी। हालांकि अभी भी अमिताभ बच्चन का वो एड प्रसारित किया जा रहा है, जिसको लेकर अब एक्टर ने पान मसाला कंपनी पर मुकदमा ठोक दिया है। बताया जा रहा है बिग बी कंपनी से खासे नाराज है। यही वजह है कि कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हुए बिग बी ने ये केस दर्ज कराया है। अमिताभ बच्चन चाहते हैं कि इस एड के प्रसारण पर रोक लगा दी जाए। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह कमला पसंद पान मसाला के एड में नजर आए थे। लोगों ने उस वक्त उनकी खूब आलोचना की थी। बॉलीवुड पर लग रहे नशाखोरी के आरोपों के बीच बिग बी की लोगों ने खूब फजीहत की थी। इतना ही नहीं, इस मामले पर नेशनल एंटी टोबैको ऑर्गेनाइजेशन ने बिग बी को बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर लिखा था। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि तंबाकू और पान मसाला जैसे पदार्थ सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। आप पोलियो कैंपेन के सरकारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऐसे में आपको पान मसाला का विज्ञापन से जल्द हट जाना चाहिए। वैसे यहां पर आपको यह भी बताते चले कि इसी विवाद पर जब एक यूजर ने बिग बी को ट्रोल किया था तो उसका जवाब बिग बी ने दिया था। दरअसल बिग बी ने एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या पहन ली, समय पीछे ही पड़ गया। उनके इस पोस्ट पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा था, प्रणाम सर, सिर्फ एक बात पूछनी है आपसे, क्या जरूरत है आपको भी कमला पसंद पान मसाले का विज्ञापन करना पड़ा, फिर क्या फर्क है आप में और इन तटपूंजियों में। इसका जवाब देते हुए बिग बी ने लिखा था, मान्यवर क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी भी व्यवसाय में यदि किसी का भला हो रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। हाँ, यदि व्यवसाय है तो उसमें हमें भी अपने व्यवसाय के बारे में सोचना पड़ता है। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसको करने से मुझे भी धनराशि मिलती है और हमारे उद्योग में जो बहुत लोग काम कर रहे हैं, जो कि कर्मचारी हैं, उनको भी काम मिलता है और धन भी। और मान्यवर, तत्पूंजिया शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देता और ना ही हमारे उद्योग के अन्य कलाकारों को भी शोभित करता है। आदर सहित नमस्कार करता हूं। तो देखा आपने यूजर का जवाब बिग बी ने किस तरह से दिया था। हालांकि बाद में वो इसी विज्ञापन को लेकर जब जबरदस्त तरीके से ट्रोल हुए तो उन्हें अपनी गलती समझ आई और उन्होंने पान मसाला विज्ञापन से दूरी बना ली थी। खैर, अब जिस तरीके से उनके एड का प्रसारण किया जा रहा है और इस पर बिग बी ने आपत्ति दर्ज कराई है, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।